गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन किया था, आज हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया में हर एक जीन की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कुछ स्पेसिफिक जीन ही दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और जैसे यहाँ पर दिखाया गया गैल जीन है, दिस इज़ फॉर गैलेक्टोज फर्मेंटेशन एंड बायोटिन, एंड दिस जीन फॉर बायोटिन सिंथेसिस। तो जहाँ पर फाज पार्टिकल जुड़ेगा उसके आसपास के जो जीन हैं उन्हीं की दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए हम इस पर स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये लैम्डा फाज पार्टिकल है, तो अब जिस समय ये बैक्टीरिया में ऐड रहता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, तो उस समय हम इसे प्रोफाज कहते हैं, और उस समय ये लाइसोजेनी साइकिल को फॉलो कर रहा होता है, लाइसोजेनी को फॉलो करता है उस समय। अब जैसे यहाँ पर ये इसकी अटैचमेंट साइट है, ये फाज की अटैचमेंट साइट है, ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट साइट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये यहाँ पर इसमें ऐड होगा, ये यहाँ पर इस तरीके से ये लैम्डा का डीएनए, लैम्डा फाज का डीएनए ये इसके साथ ऐड हो गया। तो इस समय हम इसे प्रोफाज बोलेंगे। और अब जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसका डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, तो जितने बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपी बनती हैं, जब बनती हैं, तो इसका भी डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो इस समय ये लाइसोजेनी को फॉलो कर रहा है। और इस अब जब ये अपनी लाइफ साइकिल को लाइसोजेनी से लिटिक साइकिल में ट्रांसफ़र करता है, तो ये क्या करता है, अपने डीएनए को वहाँ से अलग करता है, और इसे हम एक्सीजन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, दो तरीके से इसमें एक्सीजन हो सकता है। अब दो पॉसिबिलिटी बनाई है मैंने, दो तरीके से एक्सीजन हो सकता है। एक तो बिल्कुल करेक्ट एक्सीजन हो, जहाँ पर डीएनए जुड़ा था बिल्कुल उतना ही डीएनए फाज का अलग हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट आ जाए, इनकरेक्ट एक्सीजन हो। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो प्रोबेबिलिटी हैं, इनको हम देखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट में मैंने करेक्ट एक्सीजन दिखाया है, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट एक्सीजन हुआ, जैसे ही जितना फाज का डीएनए इसमें बैक्टीरिया में जुड़ा था उतना ही फाज का डीएनए अलग हो गया, और ये नॉर्मल फाज डीएनए, नॉर्मल फाज पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या हुआ, ये इनकरेक्ट एक्सीजन हुआ, कुछ बैक्टीरिया के जीन जो हैं इसके साथ चले गए, जैसे हम देखते हैं ये गैल का जीन फाज में चला गया, और कुछ फाज का डीएनए बैक्टीरिया में ही रह गया, तो ये इनकरेक्ट एक्सीजन हुआ। अब जब ये फाज पार्टिकल दूसरे फाज पार्टिकल बनाएगा तो वो डिफेक्टिव फाज पार्टिकल बनेंगे, और अब ये फाज अगर दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र का अपना डीएनए ऐड करता है, तो ये गैल फर्मेंटेशन का जीन या गैलेक्टोज फर्मेंटेशन का जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे बैक्टीरिया का सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये इसका जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो गया। अब हम देखते हैं, ये है प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव लैम्डा फाज, ये डिफेक्टिव लैम्डा फाज बना। अब लैम्डा फाज के डिफेक्टिव होने की भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दो तरीके से हो सकता है कि अब यहाँ पर गैल का जीन इसके पास चला गया, तो अब फाज के कुछ जो जीन थे वो बैक्टीरिया के पास रह गए, हेड और टेल वाला जीन, ये सब जो जीन थे ये बैक्टीरिया के पास ही रह गए, और यहाँ पर इसमें क्या हुआ, बायोटिन सिंथेसिस का जीन फाज के पास चला गया, और आगे वाले जीन जो थे ये वाले जीन बैक्टीरिया के पास ही रह गए। तो इस तरीके से जो है इसमें इसके फॉर्मेशन में जो है वो गड़बड़ हुई। और अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो हमारे पास जो हम इसको ऐसे लिखते हैं लैम्डा डिफेक्टिव गैल, ये जो पहला वाला फाज बना इसको लैम्डा डिफेक्टिव गैल, क्योंकि ये फाज पार्टिकल के पास जो है वो हेड और टेल के जीन नहीं है, हेड और टेल के जीन नहीं है, तो ये जो क्या करेगा, ये जो फाज के अब फाज बनेंगे वो डिफेक्टिव फाज बनेंगे, वो डिफेक्टिव फाज इस मैंने उनमें हेड और टेल जो उनका प्रोटीन की कवरिंग है वो नहीं बन पाएगी, और ऐसे जो फाज हैं वो प्लेक फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये फाज पार्टिकल ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया की सेल को बस्ट कर देते हैं तो उसे प्लेक फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब ये ग्रो हेड और टेल नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, डिफेक्टिव फाज हो गया एक तरीके से। और ये वाला जो है बायोटिन सिंथेसिस का जो जीन है, इसके साथ हेड और टेल के जीन चले गए हैं, तो ये जो बनाएंगे ये प्लेक फॉर्मेशन बनाएंगे, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लैम्डा प्लेक बायोटिन
फाज, तो ये दो तरीके के फाज पार्टिकल बने, और अगर ये फाज पार्टिकल दूसरे बैक्टीरिया में जाएंगे तो ये बायोटिन सिंथेसिस का जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसे हम बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। इसी तरीके से ये गैल सिंथेसिस का जीन जाएगा तो ये दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, तो इसे हम बैक्टीरिया की मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन जब होता है तो एक बैक्टीरिया के जीन दूसरे बैक्टीरिया में चले जाते हैं, और ये जो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का जीन वही वाले फाज फॉलो करते हैं जो टेम्परेट होते हैं। टेम्परेट फाज होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो लाइसोजेनी से भी अपना लाइफ साइकिल फॉलो कर सकते हैं और लिटिक भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले ये लाइसोजेनी फॉलो कर रहा था, उसके बाद ये अपने लिटिक साइकिल में आ गया। यहाँ तक इसने क्या करा, यहाँ तक इसने लाइसोजेनी को फॉलो करा, है ना, और फिर इमीडिएट ये क्या करा, लिटिक साइकिल में चला गया। जब ये लिटिक साइकिल में जाता है तब ये स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है। ये इनकरेक्ट एक्सीजन था, और इनकरेक्ट एक्सीजन के बाद इसने जो लैम्डा फाज के पार्टिकल बनाए वो डिफेक्टिव बनाए, तो इसके पास बैक्टीरिया के जीन चले गए। और इस तरीके से अब ये फाज पार्टिकल दूसरे बैक्टीरिया में जाएंगे तो ये गैल के जीन उसको ट्रांसफर कर देगा, और ये वाला बायोटिन सिंथेसिस के जीन ट्रांसफर कर देगा। तो यही है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, और इसे हम बैक्टीरिया में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो थैंक यू फॉर टुडे।